In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट की डेट के बारे में. लॉ एडमिशन टेस्ट की डेट एक्सटेंड कर दी गई है. किन किन इलाकों में एक्सटेंड की गई है, क्यों की गई है, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन इस वीडियो. पहले ही जिस तरह आपको मालूम है कि लॉ एडमिशन टेस्ट बहुत ज़्यादा लेट कंडक्ट हुआ, उसकी डेट बहुत ज़्यादा लेट आई. लेकिन मैंने जो बताया था कि लॉ एडमिशन टेस्ट नवंबर में होना है, लोग कहते थे नहीं अक्टूबर में होगा, अक्टूबर के दरमियान में हो जाएगा, अक्टूबर में शुरू में हो जाएगा. लेकिन अब टेस्ट नवंबर में ही हुआ, ठीक हो गया. और फिर नवंबर के भी देखें, नवंबर के भी किस 13 तारीख को जो लॉ एडमिशन टेस्ट था, ठीक है. अब 13 को तो एमडी कैट भी है, और हमेशा से होता यूँ ही आया कि ई कैट की, एमडी कैट की और लैट की डेट एक होती है. जब मैंने लॉ एडमिशन टेस्ट दिया था तब भी एमडी कैट भी था साथ. एमडी कैट मैंने पहले दिया था, काफ़ी पहले, तो मैं वो पास कर चुका था, मैं मेडिकल चल रहा था, तो मैंने आपको बताया था. तो ये हमेशा से एक ही डेट को जो है ना टेस्ट होते हैं, ये सारे जो एंट्री टेस्ट होते हैं, आपको पहले एक फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ती थी. अच्छा, रिसेंटली हुआ यूँ कि तलबा ने कुछ थोड़ा बहुत शोर शू डाला, जिसके अंदर हायर एजुकेशन कमीशन इसको जो है ना वो देखा कि बाकी ये बात हो तो जाती रही है. क्योंकि ई कैट और एम डी कैट ये तो समझ आता है कि एक ही से मुराद कि जिसने इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग की है वो आगे इंजीनियरिंग में ही जाएगा, वो मेडिकल का प्रोग्राम नहीं कर सकता, एम बी बी एस नहीं कर सकता. जो मेडिकल प्रोग्राम करके गया है वो इंजीनियरिंग का कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है एम बी बी एस के लिए, प्री मेडिकल रिक्वायर्ड है, बी डी एस के लिए, अपना एम आई टी के लिए, एम एल एस के लिए, एन एस सी के लिए, ऑप्टोमेट्री के लिए प्री मेडिकल रिक्वायर्ड है. अब जो है ना जिसने प्री इंजीनियरिंग की हुई है वो क्या करेगा, वो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग जितनी भी ब्रांचेज हैं वो करेगा. क्यों? क्योंकि उसके लिए रिक्वायर्ड ही प्री इंजीनियरिंग है, वो एम बी बी एस में नहीं जा सकता प्री इंजीनियरिंग के बाद. ये समझ आती है. लैट एक अलग अलग चीज़, जिसने एम डी ग्रेड की है, जिसने प्री मेडिकल किया, प्री इंजीनियरिंग किया है, वो भी लॉ कर सकता था. तो अब इन्होंने क्या किया, लैट की डेट चेंज कर दी. लैट की डेट जो चेंज की है ना सर, वो थी 20 को, अपना ये 13 तारीख को, 13 को इन्होंने चेंज कर दिया. और अब आपका जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा वो नेक्स्ट संडे कनेक्ट होगा, यानी कि 20 नवंबर 2022 को आपका लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है. और ये किन किन एरियाज़ में कंडक्ट होगा, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो जो डेट है वो एक डेट है, एक ही डेट को आपका जो टेस्ट कंडक्ट होगा वो होगी आपकी 20 नवंबर 2022 इतवार का दिन होगा, जिसके अंदर आपने लॉ एडमिशन टेस्ट की कि आपने देने जाना होगा सेंटर में. अब यहाँ पे कुछ अहम चीज़ें सुन ले कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं. पहली चीज़ तो ये है कि इसके लिए आपको एक सिंपल आपका आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. वो आईडी कार्ड अगर आपका नहीं है तो बेफॉर्म. अब एचईसी ने एक नया रोल डाल दिया जी, बेफॉर्म हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. भाई बेफॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो बच्चा 18 तक नहीं पहुंचा अब उसको खींच के बड़ा करेंगे जी, ये 18 साल का ही है, वो आईडी कार्ड कैसे बनाएगा, वो आईडी कार्ड नहीं बना सकता. सो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो उसके पास अगर पासपोर्ट है ना, तो सर वो पासपोर्ट के बेस के ऊपर उसको एंट्री होने दी जाएगी. एंड उसके बाद ये दो चीज़ें थी. तीसरी चीज़ बेफॉर्म जो वैसे जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया. स्मार्ट कार्ड के ऊपर आपकी एंट्री हो सकती है. अब इनका सिर्फ बेफॉर्म है, वो आज ही अप्लाई करें अर्जेंट पासपोर्ट के लिए. अर्जेंट एक होता है नॉर्मल अप्लाई नहीं करना, अर्जेंट अप्लाई करना है ताकि वो 5-6 दिनों में आपका पासपोर्ट आ जाए. पासपोर्ट के ऊपर आपकी एंट्री होगी, बेफॉर्म के ऊपर आपकी एंट्री नहीं होनी. आईडी कार्ड बना 18 साल की उम्र है तो फिर ठीक है, बेफॉर्म पर एंट्री नहीं होनी. स्मार्ट कार्ड बनवा लें अर्जेंट, क्योंकि अर्जेंट बनवाना पावर, ठीक है. तो ये इसके बेसिस पर एंट्री होगी. और इसके अलावा कोविड वैक्सीन इज़ नॉट नेसेसरी, वो सिंपल की तरह जो है ना. बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपके सामने वक्ता रहता हूँ उसको. फिलहाल ये अहम अपडेट आप तक पहुँचानी थी, वो मैंने पहुँचा दी है. इसी के साथ में दीजिए इजाज़त. फमालीना इलेल बलावल में बीन, थैंक यू.